न राजमा उबालने का झंझट और ना ही मसाला पीसने का झंझट। इसको मैंने कुकर में डाला और फटाफट से बना के रेडी कर लिया है। और देखिए लग रहा है एकदम बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारा राजमा। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तो पहले मैं यहाँ पे डालूंगी कुकर में ऑयल। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे पहले सरसों का तेल डाल दिया मैंने। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर डालूंगी मैं जीरा, खड़े मसाले। तो यहाँ पे लिया मैंने एक बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, और इन मसालों को अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। तो हमारे खड़े मसाले यहाँ पे अच्छे से तड़क गए हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, और इनको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे भून लेंगे। तो देखिए लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। तो मैंने प्याज को यहाँ पे लंबा लंबा कट कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे प्याज को फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हम यहाँ पे पकाएंगे। प्याज को हम यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट करने तक ही पकाएंगे, इसको भूनेंगे नहीं। तो देखिए प्याज भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट होगी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने अदरक का एक टुकड़ा कद्दूकस कर लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी टमाटर, जिनको मैंने ऐसे कट कर लिया है। एक टमाटर में से 2 टुकड़े कर लिए, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरे धनिया की डंठल ली है, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और टमाटर डालने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक। नमक डालने से जो हमारे टमाटर होते हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1/2 कप पानी, और इनको मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसमें 3 से 4 सीटी लगाने तक पकने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर डाउन हो गया है और मैंने कुकर का लिड खोल दिया है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से जो ये हमने खड़े मसाले ऐड करे हैं उनको निकाल लेंगे। पूरा मसाला जो है हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे दबाते हुए सारे मसाले की एक प्यूरी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी प्यूरी बनके अच्छे से रेडी हो गई है। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे राजमा, जिसको मैंने 6 से 7 घंटे पहले भिगो दिया था। अब वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। राजमा डालने के बाद इसके अंदर ऐड करूंगी मैं नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पानी। तो यहाँ पे लिया मैंने 1 कटोरी राजमा, अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 कटोरी पानी। 2 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। पानी हम थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे, पानी हम इसलिए ज़्यादा ऐड कर रहे हैं जिससे कि राजमा को बॉयल होने में कोई दिक्कत ना हो, ये अच्छे से बॉयल हो जाए, इसको थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख के 3 से 4 विसिल लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लीड हटा दिया है और हमारा राजमा भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। और देखिए कितना प्यारा कलर इसका बन के रेडी हुआ है यहाँ पे। और देखिए राजमा भी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गया है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा कट किया हुआ धनिया, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बनके रेडी हो गया हमारे यहाँ पर एकदम सुपर टेस्टी हेल्दी वाला राजमा। तो आप इसको जरूर ट्राई करें। अगर फ्रेंड्स रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।